भाजपा के ही अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमरनाथ वाल्मीकि ने समर्थकों के साथ काटा जमकर हंगामा। लगातार मेहनत के बाद अपनी अपेक्षा से थे नाराज प्रत्याशी, उनके पैर पकड़ते नजर आए। रामपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अनुसूचित वर्ग मोर्चा सम्मेलन में हुआ जमकर हंगामा। भाजपा के ही अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमरनाथ वाल्मीकि ने समर्थकों के साथ काटा जमकर हंगामा। लगातार मेहनत के बाद अपनी अपेक्षा थे नाराज प्रत्याशी, उनके पैर पकड़ते नजर आए। वहीं संगामे को बढ़ता देख हाथ पांव पकड़कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की। काफी देर अफरा तफरी का माहौल होने पर हंगामा कर रहे वाल्मीकि नेता अमरनाथ वाल्मीकि के नाम से ही नारे लगाने ताकि हंगामा रुक सके, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग जोरदार हंगामा करते रहे। इस दौरान रामपुर उच्च चुनाव के भाजपा प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता हंगामा कर रहे थे। अमरनाथ वाल्मीकि के आगे हाथ पैर जोड़ते नजर आए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह परिवार का झगड़ा है, मन मिटाओ सो चाहते हैं, यही दलित समाज के लोग भाजपा की रामपुर सीट जिताएंगे। अनुसूचित मोर्चा के रूप के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए है और अनुसूचित मोर्चा के हमारे पदाधिकारी सारे अनुसूचित मोर्चा के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उन तक जा रहे हैं और एक एक समकी 11-11 लोगों को गठित कर रहे हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ये चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आज प्रदेश अध्यक्ष जी के उपस्थिति के बीच दी गई है। कार्यकर्ताओं में वोट बनने के लिए आज माननीय प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी यहाँ आए थे, उनका सिले भरा संबोधन सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ और मैं निश्चित तौर पर पहले बात कहता हूँ कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से इस बार चुनाव जीतने की है इतिहास हो जाएगा। क्या है कोई खास बात नहीं है, ये घर परिवार का मामला होता है तो घर परिवार में रूठना मनाना चलता रहता है। एक मिनट की बात थी, सूची में नाम था लिया ही जाता, वो सूची है उसमें तो कार्यकर्ता है घर के परिवार से माँ बाप से नाम नहीं लिया उनका माँ बाप से रूठ जाता, नहीं नाम लिया उन्होंने सुना नहीं होगा, अभी सूची गई उसमें साथ में नंबर पर नाम, वो हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। एक ही मिनट में शांत हो गए, प्रदेश अध्यक्ष के नारे लगा दिए, जिला अध्यक्ष के नारे लगा दिए, कार्यकर्ताओं से जिंदाबाद कर दी। खत्म बात, ये हमारे कार्यकर्ता कोई शिकायत होगी कोई गिला होगा तो हमारे साथ ही करेंगे, परिवार में करेंगे, लेकिन पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। विधानसभा में चुनाव चल रहा है, राज्य के अंदर सभी मोर्चा के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ की रचना और मोर्चों को 11-11 गांव की टोली बनाने को सभी मोर्चा प्रकोष्ठ अपनी ताकत से लगे हैं भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए। आज उसी का अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन था और इस सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ता रात दिन गाँव में चौपाल करना और लाभार्थी से मिलना यही अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी आपके सम्मेलन में सिर्फ एक नाम ना लेने के कारण मन से क्या कहते हैं हंगामा किया गया? एक कार्यकर्ता का चलता रहता है, कोई ना कोई कार्यकर्ता अपना रहता है, स्वाभाविक रूप से चलता रहता है, लेकिन अभी स्वयं महानगर का जिला का अध्यक्ष स्वयं अध्यक्षता कर रहा है, अध्यक्ष भाषण दे रहा है। अरे क्या एक सिर्फ मन से नाम ना लेने के कारण भाजपा के कार्यकर्ता हंगामा करेंगे? चुनाव का समय चल रहा है, इसमें क्या असर नहीं पड़ेगा चुनाव? केवल भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासित कार्यकर्ता मिलेंगे और अनुशासन के साथ कर अपनी आवाज उठाना सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार। वजह क्या थी? वजह क्या थी आपके कार्यक्रम में हंगामा हुआ? ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ, अध्यक्ष ने थोड़ा आपत्ति कर दी, कुछ हंगामा नहीं। मतलब क्या आपत्ति थी? आपत्ति क्या थी?